आज हम बात कर रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। ये हमारा सर्दियों का सबसे अच्छा दोस्त है और आप सब तो उसके बारे में जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विक्स वेपर ऑफ के बारे में। विक्स वेपर ऑफ हमारी दादी, नानी, मम्मी, हर कोई हमें सर्दियों के मौसम में, जब भी हमें सर्दी लग जाती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, सूखी खांसी की बात हो, कंजेशन की बात हो, ठीक है, सर दर्द की बात हो, तो हमेशा हम विक्स वेपर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज इसी विक्स के मैं आपको ऐसे चमत्कारी फायदे बताऊंगी जो शायद ही आपको आज से पहले किसी ने बताए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जब हमारे सर में सर्दी पकड़ी जाती है, हवा लग जाती है, तो विक्स वेपर ऑफ मलते हैं अपने माथे पर। इसके साथ साथ जब हमारी नाक बहरी होती है, हम नाक पे इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस में हम गले और छाती पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में जो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, कुछ ही महीनों का है, या फिर अगर अंडर 5 ईयर्स भी है, जो दवाई नहीं खा सकता है और दवाइयों का फायदा भी नहीं होता है, तो सर्दी जुकाम होने पर जैसे उनकी छाती बंद होना शुरू हो जाती है, तो उसी टाइम आपने क्या करना है, बच्चों के पैरों के तलवों में आपने विक्स से मसाज करना है। थोड़ा सा मसाज आप 2 से 3 मिनट तक दोनों पैरों के तलवों में करेंगे, उसके बाद उनको रजाई से ढककर सुला देंगे, तो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा ही बड़ा इंसान भी अपने पैरों के तलवों में रात को अगर इसको मल के सोएगा, तो उसकी भी सर्दी जुकाम हो, कंजेशन हो, खांसी हो, सब दूर हो जाएगा। हमें सर्दियों में हाथों में खुजली की समस्या हो जाती है, हमारे हाथों की उंगलियां सूजने लगती हैं पानी में हाथ डालते ही, हाथों में कट पड़ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा विक्स लेना है और जैसे मैं आपको रब करके दिखा रही हूँ अपने हाथ पे, सेम इसी तरीके से आपने जहाँ भी आपका कट है या फट रहे हैं आपके हाथ, तो आपने इस तरीके से अपने पूरे हाथों पर इसको रब कर देना है। आप उसके बाद अपने हाथों के कोई भी ग्लव्स पहन लीजिए और सो जाइए। सुबह तक उठेंगे, जब अपने आप हाथ देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कोई जादू कर दिया हो, क्योंकि आपके जितने भी कट्स होंगे वो सब भर चुके होंगे, जितनी भी जलन होगी, रेडनेस होगी, हाथों में सूजन होगी, वो सारी समस्याएं विक्स वेपर रब की हेल्प से आप दूर कर पाएंगे। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल की समस्या है, एक्ने की समस्या है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा विक्स लेना है और अपने पिंपल और एक्ने वाली जगह पर आपने लगा लेना है। इसमें होता है मेंथॉल, जो आपकी ठंडक देता है और पिंपल की जितनी भी रेडनेस है, पस आ गई है, उन सबको सुखा देता है। सुखाने के बाद में आपके फेस पे हल्के हल्के काले से दाग दिखेंगे। वो काले दाग को आप कैसे दूर करना है, रोज आप बेसन में हल्दी और कच्चा दूध मिक्स करके लगाएं, तो वो पिंपल के मार्क्स भी चले जाएंगे। लेकिन इससे मैं गारंटी देती हूँ कि आपका कितना भी मोटा पिंपल है, अगर आप 2-3 रात तक इसको कंटिन्यूस लगाएंगे अपने फेस पे, तो सुबह तक आपका पिंपल आपको सूखा हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं इसके अगले फायदे के बारे में। सर्दियों में औरतों से लेकर आदमियों के हर किसी के पैर, यानी एडी जो होती है, बहुत बुरी तरीके से कट जाती है, छिल जाती है, उसमें से खून आने लगता है। आपकी कितनी भी ज्यादा एडियां फटी हुई हैं, बस आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी लेना है एक टब में, उसमें अपने पैरों को डिप करना है 5 से 10 मिनट के लिए नमक डालकर, उसके बाद में आपने सूखे टॉवल से अपने पैरों को पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इस तरीके से फिंगर्स पे आपने विक्स लेना है और अपने पूरे पैर पे, यानी एडी पर, आपने अच्छे से इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है और सोने से पहले आपने उस सॉक्स को उतार देना है। एक हफ्ते में आपकी कितनी भी फटी एड़ियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कितनी भी दरारें पड़ी हैं, कितना भी खून आ रहा है उनमें, वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली बड़ी प्रॉब्लम की, जो लेडीज से लेकर जेंट्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं स्पेशली वैसे लेडीज को फोकस करूंगी, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो हमारे पेट पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसे में जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई है, जब आप घर पर आ गए, घर पे आने के बाद से ही सेम डे से आपने अपने पेट पर और जहां भी आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, वहां पर आपने विक्स वेपर रब को बहुत अच्छे से मलना है। मलने के बाद में आप कोई हो सके तो कपड़ा बांध लीजिए, नहीं बांध सकते तो नॉर्मल आप अपने टी शर्ट कोई पुरानी बना लीजिए और डेली मसाज करके सो जाइए। कुछ ही महीनों में, 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको आपके स्ट्रेच मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होगा, जो उनकी विजिबिलिटी होगी वो काफी हद तक कम हो चुकी होगी। और अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपके स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल गायब हो गए हैं।
अब बात करते हैं अपनी अगली बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है पेट बड़ा होना यानी बेली फैट। अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो आपने विक्स वेपर अप लेना है और अपने पेट पर अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपने कोई भी कपड़ा बांध लेना है और उसके बाद हल्का फुल्का व्यायाम करना है। जैसे आप हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं इसको लगाने के बाद, तो इससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, स्पेशली आपकी बेली एरिया में। और अगर आपने हल्का फुल्का व्यायाम कर लिया तो आपको अल्टीमेट डिफरेंस एक महीने के अंदर आपके बेली फैट में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम अपनी अगली बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज को स्पेशली फेस करनी पड़ती है किचन में काम करते वक्त। हमने देखा है जब हम किचन में काम करते हैं तो थोड़ी सी लापरवाही या जल्दबाजी के चक्कर में हमारा हाथ जल जाता है। हाथ जलने पर आपने इसको नहीं लगाना, हाथ जलने पर आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। जब आपका वो जला हुआ ठीक हो जाए तो उसके हल्के हल्के निशान हमारी बॉडी पर रह जाते हैं, फेस पे, गले पर या पूरी बॉडी में, हाथ पे, बाजू पे, कहीं पे भी। उसके बाद में आपने विक्स वेपर रब को उस जगह पर आपने रब करना है। आप एक महीने तक जब अपने उस निशान पर विक्स वेपर रब को रब करते रहेंगे और सो जाएंगे, ऐसा करने के बाद पानी नहीं डालेंगे उस हाथ पर कुछ घंटों के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका जले हुए का निशान था, कटे हुए का निशान है, वो बिल्कुल गायब होता जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तभी भी आपने क्या करना है, जैसे आपके पैरों में पीलापन आ गया, नाखून आपके बहुत ज्यादा पीले हो गए हैं या उनमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आपने उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए थोड़ा सा विक्स अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और अपनी पैरों की उंगली नाखून पे मसाज करना है। ऐसा जब आप करते रहेंगे एक महीना लगातार तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे उनका पीलापन, उनका जो फंगल इन्फेक्शन था वो बिल्कुल ठीक हो गया और आपके पैर पहले से भी कहीं ज्यादा चमकदार और सुंदर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा। प्लीज इसमें से जो भी आपकी समस्या है उस हैक को मेरे ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कौन सा वाला हैक ट्राई करा और आपको उससे क्या बेनिफिट मिला। ठीक है, ऐसी कुछ नया देखने के लिए मेरा कल इंतजार करें। आपकी ईशा कल आपके लिए दोबारा नया वीडियो लेकर आएगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।